together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे अमेजिंग प्लेसेस और हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख के और थंबनेल पढ़ के ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि हम लोग हैं अभी सेंटोरिनी में. फाइनली वी मेड इट टू सेंटोरिनी. कब से जाना चाहते थे, कब से, लाइक जब से इसका पिक्चर देखा होगा. बचपन में तो नहीं देखा था, बट जब भी देखा था जब से, आई थिंक इटली ट्रिप से पहले, लाइक इटली ट्रिप मतलब लास्ट ईयर का इटली ट्रिप नहीं, जब मैं 12 साल पहले इटली आई थी तब की बात कर रहे हैं, तब से सेंटोरिनिया. और प्लान भी किया था एक बार, तो फुल प्लान फुली बुक्ड हो गया था, बट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण जा नहीं पाए थे. बट फाइनली हम लोगों ने इस बार बहुत ही लास्ट मिनट बुक किया एंड हमने सोचा कि चलो इस बार ये ट्रिप कर ही लेते हैं. एंड नाउ वी आर हियर इन सेंटोरिनी. और ये आप लोगों की भी बहुत डिमांड आ रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम कि स्विट्जरलैंड देख लिया, इटली देख लिए, बहुत सारे प्लेसेस देख लिए, तो आप लोग ग्रीस कब घूमोगे. सो होपफुली हम लोग आपको ग्रीस सेंटोरिनी भी अच्छे से दिखा पाए. बट हम लोग यहाँ आए कैसे? तो ले चलते हैं फ्लैशबैक में और शुरू करते हैं हमारी सेंटोरिनी ग्रीस की ट्रैवल सीरीज. So, now, let's go. Hi. Hello. Hi. हम लोग सेंटोरिनी. और ये जो है, ये जगह, ये हमारा रूम नहीं है, ये है लॉबी रूम जिसमें हम बैठे हुए हैं और वेट बैठेंगे और वेट करेंगे अपने रूम का रेडी होने के लिए. बट लॉबी रूम से लुक एट दिस व्यू, लेट मी ओपन फॉर यू, सी दिस. ऐसा लग रहा है पीछे जैसे कि कोई पिक्चर है वॉलपेपर. सेंटोरिनी एंड टायर्ड बेटा. यस, बिकॉज टुडे वी गॉट अप एट 1:30. गॉट अप क्या, एक्चुअली वी आई स्लेप्ट एट अराउंड 9:30 और ताकि मुझे एटलीस्ट 4 आवर्स का स्लीप मिल जाए. अदरवाइज आई वाज वर्किंग एंड फिनिशिंग सम अदर थिंग्स, सो आई स्लेप्ट अराउंड 10:30. सो कि सौरभ बहुत लास्ट मिनट काम करता है एक्चुअली. बट ये लॉबी का भी आपको है ना बाथरूम दिखाना देखना चाहिए. इतना ऑसम बाथरूम है लॉबी का. आई एम तो जस्ट वेटिंग रूम कितना अच्छा होगा और भूख भी लग रही है. बट लेट अस शो यू दी बाथरूम. दिस इज द शावर एरिया. केव स्टाइल का जो होता है यहाँ पर सेंटोरिनी में. Just the toilet, small but functional, and of course the view. अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं इस व्यू को. One more thing I want to tell. Everything is white. Everything, including our t-shirts, some, including this table, including this television. का अगर आप देखेंगे ना. Santorini color is white and blue. वो भी white है. उसका table भी white है. Bathroom भी white है. Everything is white and blue. And we are also white. Now we will sit, relax and enjoy this view. Aur tab tak hamara room ready hoga, dekhte hain. Hum log pehle lunch karte hain ya pehle room mein check-in karte hain. This is what happens after an early morning flight. To hum nikle hain bahar ghumne ke liye aur aapko pehle dikhate hain
सेंटोरिनी का क्राउड जैसा सोचा था ना, बिल्कुल वैसा क्राउड है. अमेजिंग. बहुत ज्यादा एक्चुअली. सी इट. मेन गली तो आपको दिखाई दी है, कितनी भीड़ थी वहाँ. तो बहुत डिफिकल्ट है, पूरा सेंटोरिनी का मज़ा ना ऐसे है. तो हम आ गए हैं उसकी पैरेलल एक और गली है, और वहाँ पर आराम से घूम रहे हैं. अब भीड़ भी देखते हैं, कम है यहाँ पर. और यहाँ मिल गया है एक वीगन रेस्टोरेंट. भूख भी लग रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं किया था. सो चलते हैं यहाँ. इसका नाम है कर्मा. सो इस कर्मा रेस्टोरेंट में भी बहुत भीड़ है, और हम वेटिंग कर रहे हैं. हमें याद आ गए हमारे वो हाँ पुराने पुणे के दिन, जब बाहर खाना होता था ना तो पहले एक घंटा वेट होता था. जबकि आज तो वीकडे है और लंच में इतना. और हम आए हैं समर हॉलीडेज ख़त्म होने के बाद. वैसे एक चीज़ दिखी है, वो है इमली का पेड़ इस रेस्टोरेंट में. देखिए मैं दिखाता हूँ पास से. यह है इमली का पेड़. चाइल्डहुड में मेरे स्कूल में भी एक इमली का पेड़ था. And everyone used to throw stone to get the Indian. And we got our table. We are going now. This chair is on the sun, so you. शेड में बैठे इतना अच्छा लग रहा है. लाल हो गए, लाल ऑलरेडी. फर्स्ट डे कर दिया. खाना आ चुका है एंड दिखने में तो बहुत ऑसम है. यू हैव टू सी दिस. तो ये है पीटा ब्रेड विथ थ्री टाइप ऑफ डिप्स. ये एक्चुअली ना मोस्ट लाइकली बैंगन का भरता है, और ये योगर्ट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का. ये देखिए क्या है, चिक पीस एंड ब्रेड एंड दिस इज़ बकलावा विद आइसक्रीम. हमने जल्दी मंगा लिया, पहले ये बाद में मंगाना चाहिए था. बट दिस इज़ आर फूड. फूड इज़ ऑसम. ये जो पीटा ब्रेड है ना, ये कॉर्न का बना हुआ है, एंड ये तो पूरा का पूरा स्मोकी बैंगन भरता है. एंड ये छोले, छोले के साथ रोटी नहीं है, बट वी हैव गॉट पीटा. उन लोगों ने ब्रेड दिया. और ये भी आ गया है, इट्स मिंट लेमोनेड. बहुत ही फ्लेवरफुल खाना है. And they are very hungry as well. अब पहुँच गए हैं कैसल के पास, द फेमस कैसल ऑफ इया सेंटोरिनी. दिस इज़ द कैसल, और ये कैसल फेमस है अपने सनसेट व्यूज के लिए. पहले आपको फेरी दिख रही है, और सनसेट यहाँ होता है. और जब सनसेट होता है ना, यहाँ पे इतना भीड़ होता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है 2-3 आवर्स पहले पहुँचना, तब जाके यहाँ पे जगह मिलेगी. बट वी डोंट हैव टू वरी, क्योंकि हमें अलग से सनसेट व्यू मिलेगा. वो कैसे मिलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा. बट दिस इज द फेमस कैसल एंड द व्यू. तो हम गए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि सेंटोरिनी में टैप वाटर इज़ नॉट गुड टू ड्रिंक. एंड सनसेट होने में अभी 1.5 घंटा है, इनफैक्ट थोड़ा और ज़्यादा ही है. बट यू हैव टू सी इट. वो सामने दिख रहा है कैसल, हमने आपको बताया ही था. वहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है. सो ऑलरेडी वहाँ पर भीड़ हो गई है. और इस एरिया में भी जहाँ हमारा विला है, वहाँ पर ये मेन एक स्ट्रीट है, उस पर भी काफ़ी भीड़ हो चुकी है. एंड आरविला यहाँ से दिख रहा है. आरविला इज समवेयर डाउन देयर. वो जो एक मेन बिग स्विमिंग पूल दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा है. सो वी आर समवेयर देयर. एंड सनसेट अभी वहाँ है. सो इट्स स्टिल टाइम. 1 आवर 30 मिनट्स होगा अभी. दिस इज आर प्लेस जहाँ से हम देखेंगे सनसेट. जो क्राउड है वो पूरा कैसल की तरफ आता है, उस तरफ. क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं बुक करते हैं लग्जरी होटल, तो मतलब ये वाला इस टाइप का विला नहीं करते हैं इया पे, तो फिर आपको कैसल से देखना होता है, और उसके लिए वहाँ से बहुत ऑसम व्यू आता है. बट हमें यहीं से आ जाएगा.
सो नाइस इट इज. आप लोगों को तो पता ही है हमें सनसेट्स देखना कितना अच्छा लगता है, और सेंटोरिनी को कहा जाता है दुनिया का सबसे अच्छा सनसेट. यह बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये देख रहे हैं आप, ये सारे अभी तक ये सब ना सनसेट क्रूज होते हैं, तो वो सब आ गए हैं यहाँ पर सनसेट देखने के लिए. वी आर वॉचिंग द वर्ल्ड फेमस सनसेट ऑफ सेंटोरिनी. सो हैप्पी आई एम. सनसेट कलर्स स्टिल वो वाला कर सकते थे अभी ऐसे टिन लाइक दिस टिन. या अमेजिंग सनसेट था पूरा ना. आपको हम लोगों ने बहुत बताया सनसेट देखने के बाद ना पूरा जो आपका ब्रेन है माइंड है वो पूरा काम हो जाता है, फुल रिलैक्स हो जाता है. सेम अगेन वो युवा फुल रिलैक्स. मेरे को थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल वो मेरे को फुकेत में जो सनसेट था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक में डाल दूंगा, वो मेरे को बहुत ही मैजिकल लगा था. वो मैंने फर्स्ट टाइम पूरा एकदम सी में जा रहा था, सनसेट हो रहा था, गो राउंड राउंड एंड अमेजिंग कलर्स आ रहे थे. सो आई वाज थिंकिंग कि उससे अच्छा तो क्या होता हुआ सेंटोरिनी में, मगर अच्छा था. अच्छा था उसमें क्या हुआ था, कलर्स बहुत अच्छे आ गए थे. इसमें कलर्स अभी भी ऑरेंज और रेड और थोड़ा पिंक शेड था, उसमें पर्पल शेड भी आ गया था विच वॉज मेकिंग इट रियली अमेजिंग. बट दिस वॉज ऑल्सो नाइस. अब इस ब्यूटिफुल सनसेट को देखने के बाद टाइम फॉर डिनर. भूख लग रही है. भूख लग रही है. दिन में लंच अच्छा, बहुत ही अच्छा भूख लग रही था. हाँ, इसके बावजूद भी बहुत भूख लग रही है. बट अब बकलावा नहीं खाएंगे. नो बकलावा, नो स्वीट्स. बट वी विल ट्राई सम स्वीट, लेट्स सी. बट नो बकलावा. ये बकलावा टेस्ट कर लिया है तो कोई नई स्वीट ट्राई करेंगे. तो अभी हाँ जाते हैं और कुछ डिनर के लिए. अभी एक्चुअली हम लोगों ने कोई बुकिंग भी नहीं किया है, तो ढूंढेंगे पहले रेस्टोरेंट और फिर खाएंगे खाना. लेट्स गो. लेट्स गो. सेम गलियां दिन में और रात में फर्क कितना है. मॉर्निंग में ना यहाँ दो लेन्स थी आने की जाने की. यहाँ इतनी भीड़ थी वाइन शॉप. यहाँ देख के तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ क्राउड. Is there anything good, Mika? So there is option for vegetarians, stuffed with eggplant. Onion cheese cream, vegetarian mosukka, eggplant, potato zucchini, red pepper. No, this is not what I want to eat. This is manageable, but let's find out something else. And I'm sure there will be many restaurants ahead. तो पहुंच गए हैं main square. और सच्ची बोलूं morning में मुझे लगा वही है main street जहाँ भीड़ है, but ये है main square और यहाँ पे आप भीड़ देखिए. It's really crowded, but it's beautiful. And this is the church with the blue dome on top of it. Looks amazing, actually. हम खुद ही टूरिस्ट हैं, तो इतने टूरिस्ट का हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? हम खुद टूरिस्ट बनकर आए. But this place is beautiful. And ये crowd तो night में है. हाँ, दिन में तो I don't know what crowd होगा. क्या हो रहा होगा? जब day trippers आते हैं. एंड सनसेट के बाद मून भी इतना सुंदर लग रहा है ऊपर. जहाँ हम लोग रुके ना वहाँ इतना क्राउड नहीं है, वो कैसल के बाद लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा कम मिल रहा था. बट अभी हाँ सौरभ मून दिखा रहा है.
फुल मून नहीं है बट हो जाएगा जल्द फुल मून. एंड आवर हंट फॉर डिनर प्लेस कंटिन्यूज. यस, हमें नहीं पता अभी हम कहाँ जा रहे हैं. लेट्स कीप वॉकिंग. खाने के लिए हमने पूरा इया का एक कोने से जहाँ हमारा होटल था दूसरे कोने तक आ चुके हैं. खा तो लेंगे अगर मिल जाए पहले तो, उसके बाद जाने के लिए अलग वॉक करना पड़ेगा, फिर पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा. इसीलिए मैंने बोला था कि मैं बकलावा नहीं खाऊंगा बट डेजर्ट का ऑप्शन ओपन है. वेरी नाइस, समथिंग इज मेकिंग अ पेंटिंग, अ ग्लास पेंटिंग. कुछ है मेरा अलग? नो, बट लाइन लगी है. नॉट फॉर अस. इसमें तो स्मेल ही ऐसे आ रहा है. एक्चुअली मैं पूरा वीडियो एक लंबा बन जाएगा हमारे आज के डिनर सर्च पे. तो वो कुछ नहीं मिल रहा है, अब हम जा रहे हैं हमारे होटल और वहीं पे कुछ मिलेगा तो खाएंगे. टू डिफिकल्ट. हम लोग कर्मा पर वापस गए थे, कर्मा बट नाउ बुकिंग. इवनिंग में कुछ नहीं मिल रहा उधर. और पिज्जा मिल रहा है मगर वो अभी वो खाने का मन नहीं कर रहा. हाँ, नो पिज्जा. So we will head back to our hotel and जो वहाँ पर रेस्टोरेंट है वहीं खाएंगे. इया को वॉक करते करते सब कुछ देख लिया, सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू चेक किए, कहीं कुछ मज़ा नहीं आया जो खाना था. और अब वापस आ गए हम लोग हमारे ही होटल के रूम में. और जो हमने पहले ऑप्शन रिजेक्ट किया था कि नहीं हम रूम में डाइनिंग नहीं करेंगे, अब वापस वही कर रहे हैं. ऑर्डर कर दिया है बर्गर एंड पास्ता, वेट कर रहे हैं उसका. और अब हम लोग जैसे ही आएगा वैसे खाएंगे, बहुत थक गए, मॉर्निंग की फ्लाइट थी. And then सो जाएंगे. We'll see you guys in morning. Bye.